वेलकम बैक टू माय चैनल डेली फूड्स विद जेब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ गजरेला, जो बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं और बहुत हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी बहुत लगता है, सबको बहुत पसंद करते हैं सब। तो ये मैं बनाऊंगी अपने स्टाइल में। मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 किलो गाजरे ली है मैंने, 60 ग्राम चावल हैं। चावलों का कोई भी इशू नहीं है कि आप मोटा पतला कैसा लें, जैसे आपके पास हो, बस सेला चावल नहीं होना चाहिए इसमें, बासमती चावल होना चाहिए। और ये 1 किलो दूध है। चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। पहले मैं ये गाजरें रखूंगी चूल्हे पे। चलें, हमने फ्लेम ऑन कर दिया है और ये हमने लिया एक पैन जिसमें हम डालेंगे। इस पैन में आधी गाजरें पहले डालेंगे, स्लो आँच पर रखेंगे हम इसको, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पर नहीं पकाएंगे, ताकि गाजरें भी हमारी अच्छी सी गल जाएं और जो हम चावल डाल रहे हैं वो भी गल जाएं। चावलों को तकरीबन मैंने 1 घंटे सोख कर लिया था पानी में, और अब मैं इसको इसमें इस तरीके से हम तह लगाएंगे थोड़ी सी, ताकि ये कि दोनों चीज़ें अच्छी सी मिक्स होके गलें। और इसमें कोई भी ज़्यादा एफर्ट नहीं है आपकी कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत जल्दी और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। बस ये है कि बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। चलिए, अब हम इसमें डाल देंगे ऊपर से मजीद गाजर जितनी थी। देखें, गाजर और चावल पूरे चले गए। मैं इसमें 1/2 कप के करीब पानी डाल के इसको थोड़ा सा रखूंगी, ताकि बहुत अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं और अधगली सी हो जाए हमारी गाजर और चावल भी फूल जाएं। फिर हम इसमें दूध डाल के पकाएंगे। चलें, हम कवर करके पकाते हैं इसको बिल्कुल स्लो आंच पे। चलें, ये देखिए बहुत अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो गए हैं चावल और गाजर। और अब हम इस स्टेज पे डालेंगे दूध। दूध को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है, ताकि ऐसा ना हो कि गर्म गाजरों में जाके ठंडा दूध जो है हमारा फट जाए। ये दूध में पकाएंगे। बहुत से लोग जो हैं ये सिर्फ पानी में ही पका के और रख लेते हैं, यानी सेव कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो इसको ऊपर से सर्व करते वक्त दूध डालते हैं, लेकिन मैं इसमें दूध में डाल के पकाऊंगी। और इसी के साथ हम चीनी भी डाल देंगे। तकरीबन 200 ग्राम चीनी ली है हमने, आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी ले लीजिएगा। ये देखिए, इस पर चीनी जा रही है। और ये 2 इलायचियाँ मैंने छोटी ऐसी तोड़ के डाली हैं, ये ऑप्शनल है, टेस्ट के लिए खुशबू बहुत अच्छी आती है, अगर आप चाहें तो डालें ना, स्किप कर दें। चलें, अभी हम इसको स्लो आंच पे पकाएंगे। चलें, देखें तैयार हो चुका है बिल्कुल। और अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ जो मैंने लिए हैं। इसमें बादाम है थोड़े से, उसको मैंने काट लिया है। और अब खोपरा है इसमें, क्योंकि बहुत से लोग इसमें एक्चुअल तो वो डलता है इसमें कटा हुआ खोपरा, लेकिन ज़रा लोग घबराते हैं, बच्चे वगैरह, उसको चबाने में, तो इसलिए मैं ये कसे हुए खोपरे का इस्तेमाल करती हूँ। और इसमें डालूंगी किशमिश, क्योंकि किशमिश के बगैर गजरेले का ज़रा तसव्वुर कम होता है। चलें, ये देखें डिश आउट कर रही हूँ मैं इसको, और बहुत ज़बरदस्त सा मीठा। अगर आप चाहें तो इसमें ऊपर से दूध डालें और बलाई डालें, इंजॉय करें। सर्दियों की ये नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं, और हमें ज़रूर इनका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। चलें, जल्दी से डिश को तैयार करें, इस रेसिपी से बनाएं, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके ये कैसी बनी आपकी रेसिपी। और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।